not that bad, huh? Alright guys, so this is for Virushka. We are going to Ranthambore. I just broke my nail. ये वाला bag मैंने style किया था around 2 से 3 साल पहले for this picture. I styled it with a yellow top with black jeans. और इस bag में हमने जहाँ पे hold किया था ना exactly आज वो मुझे वही hold हो रहा है. In fact उससे भी थोड़ा सा loose. मतलब मेरा belt अभी भी loose है waistline पे. Isn't that achievement? Anyways guys, let's have a wonderful start of this day. We are on the way to Sawai Madhopur, jahan pe wildlife sanctuary hai, Ranthambore. So we'll be spotting tigers, tigress. Hala, are you excited? I'm my husband along with me, obviously. Kaun chalaega inke bina? Who made the plan, by the way? Tell them. Is baar maine banaya tha na? Oh, is baar kya tumne banaya? She is like, ki haan, let's go for a नाइट आउट. ठीक है, जयपुर के आसपास किसी होटल में. मैंने कहा यार, इफ़ यू आर बुकिंग अ गुड प्रॉपर्टी देन जयपुर के आसपास कोई एक होटल लेके रहने में क्या फ़ायदा. वी हैव टू एक्सप्लोर. इफ़ यू वॉन्ट सम एडवेंचर, लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव एंड अ प्लेस वेयर वी कैन डू समथिंग, शूट समथिंग, राइट. एंड इन माय लास्ट वीडियो एज मेंशन दैट ही एंजॉयज ड्राइविंग. मैं मतलब इनका मूड अपलिफ्ट हो जाता ऑटोमेटिकली इन भैयास कार. ओके, दिस टाइम आई एम traveling with my car. I'm driving my car. Okay, and I'm totally enjoying it. The speed and all the thrill. मतलब automatically mood uplift हो जाता है. Yeah. Whenever he's driving. Just so. See. Yeah, camera का ये वाला view not that bad. हाँ, मैंने यहाँ पे tripod निकाल दिया है and I think ये बहुत सही set हो चुका है frame. So we'll continue to do that. अभी भरी जा रही है गाड़ी में हवा और मैं and in fact नितेश भी अभी वो गए हैं कुछ important काम से. You know, पेट्रोल पंप पे क्या इंपॉर्टेंट काम हो सकता है. सो अभी हम खा रहे हैं यहाँ पे पाइनएप्पल और गुआवा जो अभी वी आर येट टू कट दिस. और मैं दिखाती हूँ नितेश क्या गए थे टॉयलेट और ये रहे मूछे सेट करते करते और कोई काम ही नहीं है. जनरली जब भी हम ड्राइव करते हैं ना हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए ले चलें. सो अभी हमने ड्राई फ्रूट्स का भी ये कैरी किया है कुछ समथिंग वी गॉट द अदर डे फ्रॉम काना. सो आई थिंक इट्स गुड. आपका हो गया क्या? हो गया आपका? और अभी क्या इम्पोर्टेंट काम था? हम सुसु करने गए थे और अभी लगे हाथ हमने इस फ्यूल पंप से. हवा भी डलवा ली, हवा भी कम थी. नाउ वाइपर भी क्लीन हो रहा है, ग्लास प्रॉपरली, पाइनएप्पल भी खाया जा रहा है. मल्टीटास्किंग हो रही है मतलब. ऑलराइट गाइस, सो दिस इज फॉर विरुष्का. बट थोड़े से हम लेट चल रहे हैं. ओके, सो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के ऑनरेबल रिस्पेक्टेड डियर कैप्टन विराट कोहली और अनुष्का उनकी खूबसूरत सी वाइफ, दे बोथ आर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल. एक बार और साउंड इफेक्ट चलाना पड़ेगा. रुको रुको रुको, लेट नहीं होना बनता. We just heard the news. It's 11th of January and 7 minutes पहले ही मैंने विराट का वो पोस्ट देखा था. हमें मच्छर क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? So I called one of my friends as we are going to Ranthambore. तो मैंने पूछा, मैंने कहा suggest me a good place to stay over there. And he said कि यार, I have heard the news that आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अभी एक प्रॉपर्टी में रुके थे वहाँ पे, उसका नाम है अमीने खास. मैंने कहा कौन सी, हाउ मेनी कैटेगरीज यू हैव? तो उन्होंने बताया, बोला एक सिंगल कैटेगरी ही है, दे ओनली हैव लाइक सूट रूम्स ओनली. तो एंड द टैरिफ इज 56,000. देन ही पुट द कॉल ऑन स्पीकर एंड ही मेड मी हियर द टैरिफ. ही वाज लाइक अपन अनंता में 10 दिन रुक जाएंगे. सो थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं एंड लेट्स सी हम कहाँ स्टे करते हैं, कहाँ जाते हैं. ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है नाहरगढ़ रणथंबोर. ओके गाइस, तो एज यूजुअल मैं चल गया हूँ रूम हंटिंग पे. लेट्स सी ये कैसा लगता है. दिस इज द नाहरगढ़ फोर्ट. We've come to Ananta. Check.
हमारी वीकनेस। वॉशरूम बुक हो रहा है हमारा। जो फर्स्ट रूम देखा था वो थोड़ा सा पीछे के साइड में था और अभी हमने फ्रंट फेसिंग रूम को लॉक किया है। एंड आई थिंक जो मैंने आपको डिनर दिखाया था, जो बुफे दिखाया था, वो आज हम खाने वाले हैं। लेट्स सी मेन्यू में क्या क्या है, बिकॉज आई जस्ट कांट वेट, बिकॉज हम आए ही यहाँ पे खाना खाने हैं और खाना खाने का इतना महंगा चार्ज दे रहे हैं। ओके, सो डिनर में बहुत सारी चीज़ें हैं। जो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट कर रही है वो है चिकन खड़ा मसाला। ओह कांट वेट। अनदर थिंग दैट नितेश कैन आल्सो ईट इन नॉनवेज, मतलब ही इज वेजिटेरियन, तो वो खा सकते हैं एग इन शेजवान सॉस। सो एक्साइटिंग। मतलब नितेश वहाँ पे रूम की फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, मीनवाइल मैं यहाँ पर डिनर चेक कर रही हूँ, तो हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है। सो एज सून एज वी एंटर वी हैव दिस डर्टी सा सोफा, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। देन वी हैव दिस विंडो, देन ऑन दिस साइड आई हैव माय हस्बैंड, ही इज फ्रॉम जयपुर। दिस इज टाइगर प्रिंट ऑन चेयर। सफाई थोड़ी सी कम है अनंतर रणथंबोर में। ये दरवाज़ा हम खोलते हैं, ये कांच का बना हुआ है, ओह गॉड। सो ये ब्रास की यहाँ पे सिंक बनी हुई है, दो क्यों है? That's the shower area, by the way. ओके, सो वी आर एंजॉइंग टी, लाइक मैं तो एंजॉय कर रही हूँ, नितेश का आता पता नहीं है, ही इज मेकिंग द पेमेंट टू लाइक सफारी गाइस। मैं खुशबू लेके आई हूँ डिनर की, तो मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा, आई कांट रेजिस्ट। मतलब वो क्या था, वो चिकन की रेसिपी जिस जस्ट नेम्ड याद है। ओ लाइट क्यों बंद हो रही है यहाँ पे बार बार यार, दैट्स अ सीरियस मैटर। बहुत ज़्यादा लाइटें जा रही हैं यहाँ पे, तीन बार हो चुकी हैं ऐसा शॉर्ट। Finally, after 5 or 6 long hours, and I've got my footwears in here. So I picked up these footwears from Goa. Whenever we make the video live, it's kind of a satisfaction. Like, ऐसा लगता है कि कोई task complete कर दिया, because there are so many things which you have to take care, analytics, tags, and you know, playlist and what not, keywords, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। Thumbnail, how can you forget thumbnail? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा time लगता है। Now that I'm done making the video live, मतलब वो task complete हो चुका है, it's time to eat dinner, बहुत सारा, because बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। So मैंने फटाफट से change कर लिया है in denim joggers में, which I got recently from Myntra, if you guys know. Comfy, cozy, lovely, beautiful, colorful sweater. So I got this one from Urbanic. The new Shein. I miss Shein, I'm telling you. Food is here. गर्मियाँ थी ना, और कोरोना बहुत अच्छे से स्प्रेड हो गया था, तो मुझे लगता था कि हाँ चलो ठीक है, अगर हैंड वॉश का रिप्लेसमेंट है ये हैंड सैनिटाइजर, तो हम ये यूज़ करेंगे, ठंड में बार बार पानी में हाथ नहीं जाएगा। बट हु नोज़ कि ये दिन इतना ठंडा हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं, तो हैंड वॉश ही ज़्यादा सही लगता है फिर। बट लेट्स डू दिस। फोन को भी अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ क्रिएटर नेवर स्टॉप्स एनीवेयर। हम आए हैं देखने यहाँ पे पूल, आए थे मतलब, लेकिन ये पीछे आवाज़ें सुनो, सो स्कैरी। तो हमारा प्लान चेंज हो चुका है, इसीलिए आए हैं। लो बाबूजी ले लो, आपकी अमानत ले लो, लो बाबूजी ले लो, ले लो। फिर से हाथ जोड़ रहा है, बोल रहा नमस्ते, लो बाबूजी ले लो। और मैडम को डिटेल देखनी है यार। लो, एंजॉय तो खुद भी कर रहे हो। ओके,
सो ये हमारे कल का सेट कपड़ों का, दैट्स माइन, दैट्स नितेश, ताकि हम सुबह जब उठें ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे. सो बेसिकली व्हेन यू गेट टाइम ना 5-10 मिनट्स, तो डेफिनेटली आपको फ्री प्लान कर लेना चाहिए, चाहे कपड़ों की बात हो चाहे कैसे भी. ये एवरी डे में भी रूल फॉलो होता है, बहुत ही अच्छा आइडिया है इन केस यू वॉन्ट ऑर्गेनाइज लाइफ. वेल, I almost slept for an hour with my makeup on, but as you know, removing makeup is so important. You know, it's actually quite easy to remove your makeup. I have some interesting to share with you all. I was just going through some videos, Ranthambore Tiger Safari ki, and I watched itne horrifying videos, and I'm like, yaar, what if we spot a tiger and what if he attacks on the jiggy fort? And she woke me up. With all those videos, yeah. He was like, tum ye band karo, kya? For those who don't know, जो रणथंबोर में आते ही इसीलिए हैं लोग टाइगर्स को स्पॉट कर रहे हैं. And let's see if you are lucky enough to spot. Let's see you after 15 minutes. First, let's get ready. Okay, so we are ready. ऑलराइट गाइस, अब ब्लॉग एंजॉय कर रहे हो राइट नाउ. इस प्लान की बैक स्टोरी ये है कि ये बस ऐसे ही बन गया था, बिल्कुल चंचल मन अति रैंडम टाइप्स वाला प्लान. नाउ हम मॉर्निंग में उठे, काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था बिकॉज मौसम इतना अच्छा हो रहा था, तो हमने सोचा कहीं मूड फ्रेश करने चलते हैं, और हमने गाड़ी उठाई और सेम डे निकल गया विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट. अब क्या होता है, आई वॉन्ट टू वेयर शॉर्ट्स क्योंकि ना ज़्यादा ठंड थी ना गर्मी, बट वही सेम डे पे वैक्सीन कराने का झंझट कोई नहीं पाल सकता, मतलब इट्स सच अ हेडेक, तो सारा तामझाम हो जाता है फॉर ऑब्वियस रीजंस एंड पैकिंग और बहुत सारे काम होते हैं. प्लस आई ऑल्सो गेट सो मेनी क्वेश्चन अराउंड हाउ आई लाइक टू रिमूव माई बॉडी हेयर. सो थॉट की यहीं पर शेयर कर लेते हैं आप लोगों के साथ में. सो आई पर्सनली लाइक टू शेव माई इंटायर बॉडी, बीट माई लेग्स, हैंड्स, माई फेस, इवन बिकिनी एरिया ऑल्सो. आई यूज रेजर टू शेव एंड द वन दैट आई जनरली यूज इज ईवियर 3x शेव, विच इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर सेंसिटिव skin. Now it's been quite some time now I've been using it and I quite like it because it's quite easy to work with and with good results. Now this one, which is Evier 3, it has 3 blades and a very flexible blendable round head, as you can see it already. Now it's easy to glide on body curves like elbows, knees and also ankles for a smoother shave. Do you see this wide moisture bar on both the sides? Now this one is infused with aloe vera, vitamin E, avocado and argan oil. Now this will make sure that our skin doesn't get dry after shaving. And also this micro guard bar preps hair before blades touch the skin for a better shave. Also it has this open flow cartridge which will help in easy cleaning. Plus isme jab aap shave karte ho na to in between the blades aapke jo hair hai wo bilkul bhi clog nahi hote hain. The thing that I most like about this is specially designed ergonomics handle for a woman's grip. Now what it does is it actually controls both in the shower or outside the shower for a comfortable shave. And also because of the common docking system, koi se bhi Evier cartridge kisi bhi Evier handle mein can easily fit in. Isn't it so great? I mean, let me quickly show you the demo now. Simply wet your legs and then apply some shaving cream and then start shaving. Now ये क्या आपके बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथली रिमूव करता है एंड कट वगैरह का तो नो चांस. एंड ऑल्सो शेविंग के बाद में स्किन भी बिल्कुल ड्राई फील नहीं होती बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर बार प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स इन दिस. इट्स दैट इजी. आई ऑल्सो द बिकिनी रेजर विच इज स्पेशली डिजाइन फॉर योर बिकिनी एरिया. नाउ इस रेजर में जो ब्लेड है ना वो डिजाइन करी गई है अलॉन्ग विद दिस प्रोटेक्टिव कोम जो कि आपकी स्किन पे ना ब्लेड को टच होने ही नहीं देता, विच मीन्स नो चांस ऑफ निक्स एंड कट्स. इस रेजर का स्पेशल फीचर ही ये है दैट यू डोंट गेट अ क्लोज शेव, विच मीन्स डिक्रीज हो जाते हैं चांसेस ऑफ गेटिंग इनग्रोन हेयर, रेडनेस या फिर इचिंग. सी द डिजाइन इज क्वाइट स्लीक एंड कॉम्पैक्ट विच वर्क्स विद ईज इन एवरी सेंसिटिव एरिया. ऑल्सो इज लुब्रिकेटिंग स्ट्रिप विच इज इन्फ्यूज्ड विद विटामिन ई, एलोवेरा एंड आर्गन ऑयल टू सेव योर स्किन फ्रॉम गेटिंग एनी काइंड ऑफ इरिटेशन, सो यू कैन गेट बिकिनी रेडी एनी टाइम इजिली. दिस रेजर विच इज Evier 3 प्राइस एट ₹249 एंड द बिकिनी रेजर्स विच कम्स इन अ पैक ऑफ 3 विल कॉस्ट यू ₹299. इजंट इट क्वाइट अफोर्डेबल? गेट योर हैंड्स ऑन दीस. आई विल हैव द डायरेक्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. Do check it out. First time in this winter. Yeah. Damn cold. We hope that the breakfast is ready, and हम यहाँ पे खाने ही आए हैं.
बहुत ज्यादा ठंड है गाइस। It's fucking cold. That's why I was carrying the other jacket. You know, इसमें ठंड नहीं रुकती है यार। हमने शेर के बच्चे मिस कर दिए। Guys, we are at the center of the jungle searching for tiger. हमारे साथ जो गाड़ियाँ थी उनको दिख गया है, हमें नहीं दिखा है। Let's hope for the best. दिख गया कैमरा, सिग्नल मिल गया, फटाफट से ड्राइवरों ने गाड़ी भगा ली है। आवाज आ रही है, कॉल आ रही है उनकी। अरे निकलने दो ना, इधर निकलेगा यार तुम। बस अरे बस, भाग गया बच्चा। बच्चा भाग गया। अरे यार वो देखो, भाग गया। देखो अरे शांति रखो, वो भी एक और आएगा, अभी तीसरा और आएगा। चार हैं आप। बस ये लखोना तो आप दो तीन तीन बारी सफारी कर जाए तो टाइगर नहीं दिखे, और दिखे है तो एक लख में दिख जाता है। सफारी अच्छी थी। हाँ दिखे दिखे, पूरी फैमिली दिखी जो नंबर 6 में। ऑलराइट गाइस, तो हम ब्रेकफास्ट के टाइम पे आ गए थे। दैट्स द व्यू, दैट्स अ फ्रंट फेसिंग व्यू व्हिच वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर रूम। हम पहली बार आए थे एंड वी वर लकी इनफ टू स्पॉट कंप्लीट फैमिली। ठीक है, उनकी मम्मी, उनके दो बच्चे और तीन बच्चे। नहीं यार, तीन एक तो माँ और तीन बच्चे। तो अपन ने मेल टाइगर को नहीं स्पॉट किया। अच्छा, तो वी स्पॉटेड ऑल फोर ऑफ देम। मतलब इतना सही था वो व्यू। क्या क्या कुछ नहीं, गेस समझ गए, ऑडियंस समझ गई। मेरे को समझ में आया क्या हुआ। मेल टाइगर साथ में ही था ना। अच्छा, वाह। सो वी वर लकी इनफ, मतलब चारों को स्पॉट किया एकदम से। एंड वो पूरी मतलब वहाँ पे पैपराजी चल रही थी। हाँ ठीक है, कैमराज ये वो, बट वो ही स्पॉट था जहाँ पे हमने उन चारों को एक साथ देखा था। मतलब एक जना यहाँ से और तीन जने पीछे से, एज यू सॉ इन द फ्रेम। अमेजिंग, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, सफारी सफल रही। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस प्रॉपर्टी। लवली। टाइगर्स ने खुद को दिखा के हमारी सफारी को सफल कर दिया। आओ ब्यूटिफुल डन विद द पिक्चर्स। अब आप बोलोगे कौन सी, तो ये लो। The bug, Ananta. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा यू से आई हैव बीन बिफोर, कैसा लगा तुम्हें टाइगर्स देख के? अल्टीमेट लकीली
पूरे परिवार को देखा, पूरी फैमिली को देखा। एंड मुझे बहुत कम उम्मीद थी सीरियसली मैं कि हम स्पॉट कर पाएंगे टाइगर्स, बट आई थिंक कोमल का लक बहुत अच्छा था। दिस वन फीमेल टाइगर मदर एंड हर 3 कब्स, वो भी मतलब उसके साइज जितने ही बड़े हो गए। हाँ, और है ना गाइड ऐसे से बैठ के बातें कर रहे थे कि बच्चे शर्मा जाते हैं, मुझे लगा ये छोटे छोटे पैदा किए होंगे अभी। लाइक इतने बड़े हैं, मेरे जैसे तो 2 को वो एक नाश्ते में निपटाते हैं। इतने बड़े समझ ही नहीं आ रहा था कौन मेकआउट की मम्मी कौन है और बच्चे कौन है। नाउ वी कैन सी कि हाँ ठीक है, आई हैव बीन टू रणथंभौर एंड स्पेशलिटी क्या है, सफारी, और वो हमने देखी एंड वी स्पॉटेड है ना मतलब टाइगर्स को। सेटिस्फाइंग जर्नी, ताकि हम जिस चीज़ के लिए आए हैं वो चीज़ हमने कर ली। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, मेरी एक फ्रेंड है वो 4 बार जा चुकी है, उसको नहीं दिखा आज तक। और यू नेवर नो, मतलब हमारे तो वो गाइड वर लाइक कि अरे मैडम आपको दिखा के चलेंगे, आप बस चुप रहो। ऑल राइट गाइस, सो एज यूजुअल मेरे व्लॉग्स की कभी प्रॉपर एंडिंग होती ही नहीं है, सेम डे तो बिल्कुल नहीं होती है। सो आज ऑलमोस्ट 4th डे है और रणथंभौर से आने के बाद में मैं एक बार अजमेर में घूमाई, वो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा कि मैं क्यों गई थी। इट वॉज एन एमरजेंसी, मतलब जल्दी से भागना पड़ा और सेम डे हमको उन्हीं फुट स्टेप पर वापस रिटर्न करके आना पड़ा था, यू टर्न लेके। यू विल गेट टू नो कि क्यों हुआ था, ये कुछ सीरियस इशू था राइट, बट होपफुली अभी तक चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो गई हैं। इट्स अ सेकेंड डे जब हम अजमेर से भी होके आ गए थे एंड अभी मुझे आवाज़ आ रही है गुड्डू की गाड़ी की, विच मीन्स यस कम होम। और मैं आज भी एक और ब्लॉग शूट कर रही हूँ, विच विल अगेन गेट टू सी वेरी 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 सून। हाँ तो अपन तो थे ही ना रणथंभौर ब्लॉग में, साथ ही तो थे। ओके तो लेट्स से बाय, गुड बाय। Bye guys, we are feeling so tired, especially me. Positive. Oh hello, ये मैंने बता चुकी हूँ। You don't have to she fake things. She has done nothing. अरे नहीं, you don't have to fake things. मैंने बोल दिया कि 2-3 दिन हो गए अपने को रणथंभौर से आए। हाँ हाँ. और इस बीच अपन अजमेर भी जाके आ गए। But तुमने वो थोड़ी ना बताया होगा कि तुमने पूरे रास्ते मेरे को कितना पकाया। She is so boring. You don't even know. She's so so boring. I am not, and they know it. इतनी boring है, I am yawning right now. चला के आए हो? चला के क्या मतलब, मैं को आ गई थी आउट ऑफ फ्रेम होते ही, तो मैंने कहा वो भी बता दूं। इतना पका जीजू, नॉट डन, नो नॉट डन। गिव दिस वीडियो बिग फैट थम्स अप इफ यू रियली एंजॉयड वाचिंग इट एंड वी विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। टिल देन खुद से नहीं कुछ प्यार करिए, और हम अजमेर क्यों गए थे इसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिए, और ये भी याद रखते रहिए, लव यू ऑल सो मच।